आयुर्वेदिक औषधि है। आप जुड़े हुए नेटवर्क 10 के साथ। विपक्ष अब बेंगलुरु में जुटने वाला है। पटना के बाद विपक्ष की एकता को लेकर अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। पहले बैठक शिमला में होनी थी। केंद्र मोदी सरकार को पराजित करने के लिए विपक्ष एक मंच पर आने का प्रयास कर रहा है। माना जा रहा है कि शिमला में आगे की स्ट्रैटेजी पर विचार होगा। बैठक को लेकर सियासी हलचल भी तेज है और साथ में इस बात को लेकर कौतूहल भी कि क्या विपक्ष का फ्रेम किस तरह से बनता है। बेंगलुरु में विपक्ष एकजुट होगा और शिमला में इससे पहले बैठक होने वाली थी, लेकिन अब बेंगलुरु फिक्स हुआ है। युवा सम्मेलन भी कांग्रेस का है बेंगलुरु में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चाहते हैं जवाब, सीटों का मंथन, कुछ और भी अड़चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या फॉर्मूला हो सकता है। विपक्ष में अभी भी खींचतान है या सब मनभेद भुलाकर सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, और ये इतनी बड़ी एकता क्या 2024 में मोदी सरकार को टक्कर दे पाएगी या नहीं, फॉर्मूला क्या हो इस पर मंथन के लिए बेंगलुरु में अब विपक्ष की बैठक। हालांकि तस्वीरें लगती हैं कभी दूर कभी पास, क्योंकि पिछली बैठक में जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल वहां से चले जा चुके थे। ऐसे में कई सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान हुई जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी वहां से चली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी, और क्या इस तरह की उलझनों के साथ विपक्षी एकता का जो विपक्ष दावा कर रहा है उस पर मुहर लगती है या नहीं। सीटों पर मंथन होगा, कुछ और भी स्ट्रेटजी तैयार होंगी। बेंगलुरु में है सेकेंड बैठक विपक्ष की। एके मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत जुड़ने के लिए। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, अब दूसरी बैठक है आपकी बेंगलुरु में, सबकी निगाहें इस बैठक पर हैं। पटना में क्या हुआ, आपने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बातों का जिक्र किया कि देश को बचाने के लिए हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। अब अगली बैठक बेंगलुरु में क्या होने वाला है, किस तरह का रोडमैप आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पहली बैठक में दिख गया था कि आम आदमी पार्टी, चूंकि अरविंद केजरीवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे तो कई तरह की अटकलें हैं कि आप लोगों के साथ हैं कि नहीं, वो नाराज हो गए, तब इस गठबंधन का क्या होगा, बहुत सारे सवाल। तो पहले तो स्पष्टीकरण, बेंगलुरु में जो बैठक होगी उसका निश्चित तौर पर एजेंडा 2024 ही है, लेकिन क्या रोडमैप होगा, सीटों का मंथन होगा, किस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा होनी है, और आम आदमी पार्टी पर जो सवाल मैंने पूछा कि वो नाराज दिखे पटना की बैठक में, क्या वो दोबारा बेंगलुरु में आएंगे या नहीं। पूजा जी, देखिए आपने एक बहुत सार्थक बहस की शुरुआत की है जो वाकई देश के लोगों को पता भी लगना चाहिए। ये बात सच है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे पे चूंकि हमारे साथ स्पष्ट कोई अपना विचार नहीं दे पाई है, इस बात को उन्होंने उठाया था। लेकिन यह बात भी उतनी सच है कि अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर वो हिस्सा ना होते तो गठबंधन को वो पत्र क्यों लिखते। उन्होंने गठबंधन को पत्र लिखकर अपनी जो सरकार की परेशानी है, जो ऑर्डिनेंस उनकी सरकार के खिलाफ केंद्र शासन लेकर आई है जिसको कि हो सकता है कि वो बिल में बदल दे, उसको लेकर उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने गठबंधन के नेताओं को ही लिखा क्यों था, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा अपने आप को मानते हैं और यही कारण था कि वो उस बैठक में भी आए थे। जहां तक मुद्दा उनकी किसी नाराजगी का है तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि गठबंधन में जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं बहुत ही समझदार और परिपक्व नेता हैं, वो सारे लोग बैठ के इस मुद्दे को निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल कोई इस मामले में गठबंधन से बाहर जाके कोई राजनीति करने का विचार कर रहे हैं, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता, वो गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। एक दूसरी बात, आपने कहा कि अब आने वाले दिनों में क्या होना है। देखिए कि गठबंधन तो बन चुका है, वो गठबंधन के साथी भी सामने आ चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि गठबंधन की जो दूसरी बैठक है ये अंत नहीं है बैठकों का, क्योंकि ये लगातार, क्योंकि एक देश के लिए राजनीति, 1 अरब 50 करोड़ लोगों के लिए एक गठबंधन तैयार हो रहा है, तो देश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रोग्राम देना चाहते हैं देश के लोगों को, तो निश्चित रूप से ये एक बैठक में तय नहीं हो पाएगा, इसके लिए लगातार प्रक्रिया चलेगी।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, सकारात्मक जो इसका पक्ष है कि लगातार ये बैठकें हो रही हैं और बैठकों में इन बातों के ऊपर चर्चा भी हो रही है कि हम लोगों को किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से आने से हम रोक सकते। ठीक ठीक, रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। रत्नाकर जी बहुत बहुत आभार स्वागत जुड़ने के लिए नेटवर्क 10 पर। ब्रजमोहन जी तो आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमने तस्वीरें देखी थी पटना की कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे और उसी वजह से तमाम सवाल उठ रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो आश्वस्त हैं, वो पार्टी में हैं, वो विपक्ष में एक साथ हैं, लेकिन बस अध्यादेश के मसले को लेकर वो थोड़े से नाराज थे। तो आपकी और आम आदमी पार्टी की जो तनातनी है, आप लोग इससे उबर पाएंगे तभी तो एकता की बात करेंगे, तभी तो एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म को साझा कर पाएंगे। अभी तो उलझन आप दोनों के बीच की है रत्नाकर जी। पूजा जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि ये तमाम जो पार्टियां एक साथ एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का जो ये गठबंधन की कवायद कर रही है, निश्चित रूप से सबका उद्देश्य एक है कि इस भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता से बेदखल करना और जनता को एक ऐसा शासन देना जो जनहित में काम करे, जनता के लिए काम करे, न कि अंबानी और अडानी के लिए सिर्फ काम करे। तो हमारा उद्देश्य यही है। और देखिए, ये लोकतंत्र की लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई है, तो हम जरूर निश्चित रूप से चाहेंगे कि उसमें सारी लोकतांत्रिक पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ हैं वो हमारे साथ आए और जरूर इस लड़ाई में शामिल हो। लेकिन रही बात जो मुद्दों के मतभेद की, तो मैं ये कहना चाहूंगा पूजा जी कि मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि 10 मुद्दे हैं उसमें हम 8 मुद्दों पर सहमति बन जाए, हमारी 2 मुद्दों पर नहीं बने, लेकिन तो मुद्दों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल सही है। ठीक रत्नाकर जी, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी उठी हुई है और आपका सहयोग चाहती है, समर्थन चाहती है, वो भी तो यही कह रही है कि संविधान का हनन हो रहा है, अध्यादेश जबरदस्ती लागू किया जा रहा है, तो क्यों आप लोग समर्थन नहीं करते, वो भी तो इसी का हवाला दे रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जब सत्र चालू हो जाएगा तो सत्र में जो है लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, जैसे एनसीपी है या शिवसेना है या तमाम ऐसी टीएमसी है, जो पार्टियां हैं जो हमारे साथ महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो निश्चित रूप से उनसे राय मशवरा जरूर किया जाएगा और उस समय मानसून सत्र के दौरान जो है यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है, अध्यादेश पे हमको समर्थन देना है या क्या करना है, या आगे की रणनीति है जी। और अगर आप लोग समर्थन नहीं देते, खींचतान तो यही बनी रहेगी, तो फिर किस बात की विपक्षी एकता, जब आप लोगों का मनभेद है, मतभेद तो एक पल को दूर हो जाए रत्नाकर जी, लेकिन जब मनभेद होता है सर, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक सूत्र में बनना। पूजा जी देखिए, स्पष्ट तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा हर पार्टी की अलग होती है, किसी की गांधीवादी विचारधारा होती है तो किसी की गोडसेवादी विचारधारा होती है, हर पार्टी अपनी विचारधारा पे चलती है। आज देख लीजिए आम आदमी पार्टी का क्या है, आम आदमी पार्टी बिना ड्राफ्ट तैयार हुए, बिना उसको तथ्यों को जाने और यूसीसी को समर्थन उन्होंने कर दिया, तो ये उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, उनकी रणनीति है, वो उस पर काम कर रहे हैं। हमारी विचारधारा है, निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि यूसीसी में जो है लाइक माइंडेड पार्टी कैसे हुए रत्नाकर जी, कैसे फिर आप लोग एक विचारधारा। देखिए मैंने स्पष्ट तौर से कहा है पूजा जी कि कुछ मुद्दों पर आप साथ हैं लेकिन कुछ मुद्दों पर साथ नहीं है, तो क्या एके मिश्रा जी क्या फिर ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भाई कुछ मुद्दों पर तो हम सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ पर नहीं, तो क्या ऐसे विचारधारा के साथ या इस जेस्चर के साथ जिस विपक्षी एकता का दमखम भर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता और बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये टक्कर दे पाएंगे या नहीं, एकजुट अभी खुद ही नहीं है, अभी तो पार्टियां आपस में ही उलझी हुई हैं। विपक्ष के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनका इंटरनल कॉम्पिटिशन है आपस में, पहले उसको कॉम्पीट करें। ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो अपने सारे स्वार्थ को छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ करके ये लोग मुद्दे पे सहमत होंगे, और अगर ये होता है कि कुछ मुद्दों पे सहमति है तो और कुछ मुद्दों पे असहमति है, तो इतनी बड़ी यूनिटी या उतनी मजबूत यूनिटी नहीं बन पाएगी इन कंपैरिजन ऑफ बीजेपी। आप बीजेपी का देखिए, वो लोग भी यूनाइट करना शुरू किए हैं, वो लोगों को बुला के मिनिस्टर्स बना रहे हैं, मतलब सीधे कार्यभार दे रहे हैं, और यहाँ तो अभी इसी चीज पे डिसाइड नहीं हो पाया है कि मुद्दे क्या होंगे। ठीक है, गठबंधन बनना, अभी कवायद चल रही है, बना भी नहीं, और अगर बन गया और सारे मुद्दे जलप नहीं हुए, यानी सारी पार्टियां अपने सारे मुद्दे छोड़ दे, कोई शर्त ना लगाए, यानी बिना शर्त अगर सारी पार्टियां एक दूसरे को समर्थन दे रही हैं, तब मैं उसको मानूंगा कि एक मजबूत गठजोड़ या गठबंधन यहां पे बना है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त विपक्ष के सामने यही है कि देखिए, ये भारत के राजनीति की, अभी नहीं, हजारों साल से भारत के राजनीति की ये विशेषता रही है, कमजोरी रही है कि यहाँ के क्षत्रप, क्षेत्रीय नेता कभी एक नहीं हुए हैं,
तो मैं तो इस परिप्रेक्ष्य से भी देखता हूं कि शायद हजारों साल में पहली बार ऐसी हो कि अपने सारे राग द्वेष और सारे विभिन्नताओं को भुला करके ये लोग एक हो जाए। उस तरह का जेलप अगर तैयार हो सकता है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इन लोगों का बनेगा। अदरवाइज जिसके इसकी उम्मीदें मुझे कम लगती हैं हर पार्टी जो, के जो हर तस्वीर हमने देखी मिश्रा जी, अरविंद केजरीवाल चाहते तो चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते, एटलीस्ट ये मैसेज जाता कि हाँ सब एक हैं, लेकिन वो हमने देखा राघव चड्ढा की तस्वीरें, सबको वो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से बैठक के बाद सब गायब हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे है क्या ना कि जितने लोग हैं सब लोगों की अपनी व्यक्तिगत ख्वाहिशें हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे जो भी हो, और अपने हिस्से का कोई भी आदमी लूज नहीं करना चाहता है। जब तक आप कुछ खोना नहीं चाहते हैं तो इतने बड़े गोल को आप पाएंगे कैसे। मैं सारे पार्टियों को, विपक्ष के लोगों को, मतलब ये करबद्ध मैं सविनय निवेदन करूंगा कि पहले अपने स्व को तो त्यागिए, पहले दधीची बनिए। कौन दधीच बनेगा, कौन अपने प्राणों का उत्सर्ग करके जो है इस महान गोल के लिए, जो इन लोगों का खैर वो राष्ट्र के लिए तो नहीं है, वो पार्टी के अगेंस्ट है कि बीजेपी को हराना है, तो कौन दधीच कौन बनेगा? कोई दधीच नहीं बनना चाहता है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने पूछ ही दिया था केजरीवाल से कि भाई धारा 360 पे आपने हमें क्यों नहीं सपोर्ट किया, उस वक्त क्यों नहीं सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। रत्नाकर कैसे करेंगे ये देखना है। तमाम पूजा जी देखिए, ये तमाम एनालिसिस और इस तरह से जैसे कि यह असंभव है और सच्चाई है सर, रत्नाकर जी सच्चाई है, कई बार देख चुके हैं। पूजा जी मैं बता देता हूँ, इसीलिए 10 सेकंड मांगा है, बहुत ज्यादा नहीं मांगा है। देखिए ये तमाम जो एनालिसिस कर रहे हैं और असंभव सा प्रतीत होने वाला ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, भाई साहब जरा भारतीय जनता पार्टी का भी उदाहरण लेकर देखिए। 29 दलों का गठबंधन बना था और उन्होंने एनडीए का गठन किया था, तब भी 16 दल बने थे 1998 में, और तब उसके बाद 29 दलों का गठबंधन, बात गठबंधन बनाने की है, उन्होंने बनाया तो आप बताओ लोगों को बताइए। जब उद्देश्य अरे सुन तो लीजिए, इतना बौखलाइए नहीं। जब उद्देश्य बहुत क्लियर होता है ना, साफ होता है ना, तो उसमें जो भी बाधाएं आती है, जो भी अगर अगर मनमुटाव की अगर बातें आती है, सबको मिल बैठ करके हम जो है सहेज के उसको समझ लेते हैं। आपका उद्देश्य क्या है बताइए, आपका उद्देश्य क्या है गठबंधन बनाने का? नहीं क्या आप पूरे डिबेट में नहीं थे? आप एक बार बता दीजिए, बच्चों की तरफ प्रश्न कर रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं, विपक्ष इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। जिससे भी पूछिए, विपक्ष के किसी भी नेता से पूछिए कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी, आपका रोडमैप क्या है, आप लोग एकजुट किस मुद्दे को लेकर हैं, वो कहते हैं हम संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। लिखित रूप में वो उद्देश्य सामने नहीं आया कि हमारा ये एक उद्देश्य है या ये नहीं बोले, नहीं तो मैं बोलूंगा तो फिर ये बोल नहीं पाएंगे। ठीक, रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए। ब्रिजमोहन जी, आप बीच में इतना उद्वेलित मत होइए, धैर्य रखिए। आप अगर बुद्धिमान है, तर्कों पे तथ्य दे सकते हैं, तो धैर्य रखिए, अपने समय का इंतजार करिए। निजी टिप्पणी नहीं सर, निजी टिप्पणी बात पूरी नहीं, नहीं बीच बीच में देखिए, ये कहना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये भारत के इतिहास में कोई पहली बार गठबंधन और आखिरी बार गठबंधन तो नहीं हो रहा। इससे पहले भी बहुत सारे गठबंधन हुए हैं, एनडीए भी हुआ है, यूपीए भी हुआ है, और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने 5 साल अपने पूरे किए हैं। और बहुत सारे जब दल एकत्रित हो जाते हैं, निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, अपना हक मांगने के लिए और अपनी बातों रखने के लिए स्वच्छंद होती हैं और वो रखती हैं। लेकिन अगर उद्देश्य अगर सही होता है कि हमको इस फांसीवादी ताकत को सत्ता से बेदखल करना है, तो निश्चित रूप से सब लोग मिल करके उसको मिल बांट करके उसका हल निकालेंगे। इसी मुद्दे को लेकर जब अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं रत्नाकर जी, तब भी कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही। इसी मुद्दे को उठाए हुए अरविंद केजरीवाल जगह जगह जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, ये तानाशाही को खत्म करना है, ये तब आप सपोर्ट नहीं कर रहे। आपका कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, पूजा जी आपका कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्लियरली बताया कि मानसून सत्र के दौरान हम उस समय निर्णय लेंगे, हमारी जो साथी पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत करके उस समय निर्णय लेंगे। आप ऐसा कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम अभी समर्थन नहीं दे रहे हैं? और देखिए रही बात, लेकिन जब सबने दे दिया तो फिर आप लोग की चुप्पी क्यों? आप लोग इतना क्यों समय ले रहे हैं? इससे तो यही जाहिर है कि कुछ तो चल रहा है आपके जहन में। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि सबने दे दिया?
अरे हम बात करेंगे, हम उस समय जब जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, वो शरद पवार से मिलते हैं, वो ममता बनर्जी से मिलते हैं। नहीं, मिलने के लिए तो सारे लोगों से मिलते हैं ना, मिलने के लिए सारे मिलने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सर, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें सहमति होती है कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं। मुद्दे को डिरेल मत करिए, मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि समर्थन मिलना ही होता है, मिलने हाँ मिलने मिलने तो के लिए हर पार्टी आप लोग जो मिल रहे हैं इसके मिलने का मतलब ही मिलना नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि मिलने का मतलब समर्थन नहीं होता, तो फिर एक बार फिर वही सवाल कि जब विपक्ष मिल रहा है कि आप उसको समर्थन माने कि नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट पूरा जवाब दे दूं आपको, पूरा जवाब दे दूं आपको, पूरा जवाब दे दूं आपको, आप बीच में प्रश्न अगर एक सेंटेंस के बाद नहीं पूछेंगे तो जवाब दे देता हूं। ठीक 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 देखिए, मिलने का मतलब और कहने का मतलब जब स्पष्टता से आ जाती है सब बातें जब मीडिया फोरम में, तो कोई अगर कहता है कि हम इनको समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से वो समर्थन देता है। अभी जो पिछला जो पटना में जो मीटिंग हुआ है उसमें सारी पार्टियां जो एकत्रित हुई थी वो सारी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम सारे लोग इस मुद्दे पर सहमति बन चुकी है कि हम मिल बैठ करके और एक साथ चुनाव लड़ेंगे, सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद अगला जो रणनीति तय हुआ कि जो 12 जुलाई को शिमला में मीटिंग होने वाली थी वो अब 13 से 14 जुलाई को बैंगलोर जी, वो तो हम भी जान रहे हैं, हम तो सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर बाद आऊंगी सर, ब्रजमोहन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी, इसमें एक शिगुफा उठ गया, कल काफी हलचल थी शरद पवार को लेकर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान जो दिया है वो माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं डेंट मारेगा 2024 में, क्योंकि शरद पवार को डबल गेम खेलने का उन्होंने एक सिग्निफिकेंट, वो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगा दिया कि शरद पवार डबल गेम खेल गए। अब ऐसे में जब एनसीपी अपनी खींचतान से जूझ रही है, देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कैसे देखें, और चूंकि एक एक बयान को जोड़कर हम विपक्षी एकता को भी देख सकते हैं, आपको इस बयान से कितना नुकसान या कितना फायदा, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, इस पूरे बयान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का। उन्होंने खुद ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो राजनीति में उतनी समझ नहीं रखते हैं जितनी की परिपक्वता एक राजनेता में होनी चाहिए। 48 घंटे पहले जो बात होती है वो ये मान के चलते हैं इस 48 घंटे में कोई बदलाव नहीं हुआ और उस पर वो अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, कब जब जिस समय इस प्रकार की सरकारों का गठन होता है उस समय जो भी राजनेता होते हैं वो हर संभावनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं, हर संभावित व्यक्ति से बातचीत करते हैं, और उस बातचीत में जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसको माना जाता है। अब देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस समय यह मान लिया था कि 48 घंटे पहले जो बातचीत हुई है कि उन्होंने खुद ने स्वीकार भी किया है कि हमारा उपयोग हुआ। प्रश्न उठता है कि इनका उपयोग क्यों हुआ? इसलिए उपयोग हुआ कि ये नासमझी से राजनीति कर रहे थे, तो इससे हम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने आज इस मुद्दे को क्यों उठाया? ये मुद्दा बताता है कि पूरी तौर से वो हताश हो गए हैं। हाँ। महाराष्ट्र को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व तो हताशा महसूस कर रहा है। अभी तक ये सोचते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हम आदरणीय अजीत पवार साहब के मामले में कुछ ना कुछ खबरें चला के एक ये इस ढंग का परसेप्शन बना देंगे कि शायद अजीत पवार जी सहमत नहीं है। हाँ। उस मामले में पूरी तौर से ये फ्लॉप हो गए, उसके बाद आज इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ ब्रजमोहन जी, एक सवाल इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ ब्रजमोहन जी, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि शरद पवार के लिए कहा जाता है कि वो सियासी पंडित हैं, वो जितना ऊपर दिखते हैं उतना ही नीचे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में क्या विपक्षी दल ये नहीं समझेंगे या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या ये बात नहीं आएगी कि कुछ दिन पहले शरद पवार का सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा था, चाहे वो अडानी के मुद्दे को लेकर हो या फिर भाजपा सरकार के प्रति, तो क्या 2024 आते आते क्या देवेंद्र फडणवीस जो पहले बात कह रहे थे कि शरद पवार ने हामी भर दी थी लेकिन वो पलट गए, क्या ऐसा हो सकता है कि 2024 के मुहाने पर जब हम पहुंचे तब भी शरद पवार ऐसा कर जाएं कि विपक्ष के साथ रहे लेकिन एन मौके पर वो भाजपा के साथ चले गए, ऐसा क्या संभव है और क्या ये विपक्ष नहीं सोचेगा इस खुलासे के बाद? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं और आदरणीय शरद पवार जी उसकी मुख्य भूमिका में भी हैं। आपने पूछा कि अभी अब दधीच बनने के लिए कौन तैयार है, तो आदरणीय शरद पवार जी और नीतीश कुमार दोनों ने इस बात को कहा है कि इस पूरे गठबंधन के लिए हम अपने ढंग से पूरी शक्ति लगाएंगे और उसके पीछे हमारा कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है, ये बहुत स्पष्ट रूप से बोला उन्होंने। तो इस मामले में किसी को भी शक करने की कोई जरूरत नहीं है, आदरणीय शरद पवार जी इस गठबंधन के साथ है और अंतिम क्षणों तक हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे और हम चाहेंगे कि भारत में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में ना आने पाए, हाँ। इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर मकसद ये है कि भाजपा सत्ता में ना आए, इस मोटो के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिश्रा जी, निश्चित रूप से मिश्रा जी, आत्ममुग्ध हो करके प्रस्तुतीकरण करना, हमारे जो एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, आत्ममुग्ध होकर प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं। कद्दावर नेता होने का मतलब, आज भी भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में इसका मतलब ये होता है कि आदमी किसी न किसी लेवल पे जाके अपनी बात पे टिके, 48 घंटे में अपने बयान को, अपने एक्ट को बदल देने वाला नेता कभी कद्दावर नेता नहीं होता है। डेंट पहुंचा है, और डेंट क्या पहुंचा, इनके इसी कृत्य के कारण पूरा महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई, बाद में गिरी कि नहीं, कितना महंगा पड़ा इनको, जो बोल रहे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। शिवसेना का क्या हाल हुआ, शिवसेना ही खत्म हो गई, सिंबल की लड़ाई आ गई, भैया हमारा है कि नहीं है, शिवसेना भवन किसका है। मिश्रा जी, क्योंकि समय कम है सर, अब पूरा फोकस एक बार फिर से इस बैठक पे कर लेते हैं। मिश्रा जी, समय कम है एक एक कॉमेंट सबसे। बेंगलुरु में जो बैठक होगी अपना के कारण पूरी पार्टी, बेंगलुरु में जो बैठक होगी उससे क्या हासिल होने वाला है विरोधियों को, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, बेंगलुरु में होने वाली बैठक से क्या हासिल होगा, बहुत संक्षेप में सर, समय कम है। बहुत संक्षेप में दो लाइन में बोलूंगा, पहली चीज ये बोलूंगा कि ये मिश्रा जी जो है वो तय करेंगे क्या कि शरद पवार कद्दावर नेता है कि नहीं है, ये भाई इनकी विश्लेषण ये दे दिए, और देश की जनता अगर ये मान ली कि अगर शरद पवार कद्दावर नहीं नेता है तो भाई इनकी बातों से मैं भी को प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन देश ये जानता है कि शरद पवार कितने कद्दावर नेता है, और महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनी थी वो उनकी सोच का नतीजा था, और आगे भी क्यों नहीं पाया कद्दावर नेता थे। अरे सुनो भैया, बेंगलुरु में क्या हासिल होगा सर, हाँ बस वो बौखला गए हैं। रत्नाकर जी, बेंगलुरु में देखिए पूजा जी, अभी आपको श्रीवास्तव जी ने ही बताया कि कोई भी बड़ा फैसला होता है तो उसमें बहुत सारी रणनीति और तय होती है, और उसमें रणनीति का एक दिन में सारे फैसले नहीं होते। पहली मीटिंग में हमने ये तय किया कि हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी मीटिंग में हम तय करेंगे कि कौन सी पार्टी कहां पे कितनी सीटों पे लड़ाई लड़ेगी, ये अगली रणनीति का एक हिस्सा है जो 13 और 14 तारीख को बेंगलोर में जो है मीटिंग होगी, उसमें ये चर्चा किया जाएगा। बाकी अगर और कुछ चीजें रहेंगी तो आगे और डेट लेकर उसको डिस्कस किया जाएगा। 10 महीने चुनाव है ना, शुभकामनाएं रत्नाकर जी, शुभकामनाएं आपको। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी बैठक के लिए, आगे की स्ट्रेटजी के लिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आभार। एके मिश्रा जी, आप जुड़े हमारे साथ और अहम समीक्षा इस बड़े मसले पर आपने की, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सबकी निगाहें हैं, बेंगलुरु में होनी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कुछ आपसी झोल है, इतना जरूर है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होना चाहती हैं, लेकिन एक मंच पर आने के लिए इन दलों को स्पष्ट फैसले लेने होंगे। इनमें उत्साह है लेकिन कुछ अंतर विरोध की झलक भी रही है, हालांकि अभी शुरुआती दौर है, लेकिन विपक्षी दलों को जल्द निर्णय लेने होंगे। खासकर देखते हैं कि विपक्ष में ही कुछ पार्टियां एनडीए से जुड़ चुकी हैं या जुड़ रही हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, नए विषय के साथ फिर हाजिर होगी, तब तक इजाजत, जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पीना।